कुछ चक्रों के बारे में बता चुकी हूँ और इसके आगे के चक्रों के बारे में भी आज बताऊंगी। जैसे कि पहले चक्र का नाम मैंने आपसे बताया मूलाधार चक्र है, जो नीचे स्थित यहाँ पर चार पंखुड़ियां वाला होता है। और इस चक्र से, क्योंकि ये सूक्ष्म चक्र है और इसका जो जड़ आविर्भाव है, इसका जो ग्रोस एक्सप्रेशन है, उसे पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं। और इसमें श्री गणेश के बहुत ही पवित्र चरण रहते हैं। और उससे ऊपर जो त्रिकोणाकार यहाँ बना हुआ है, इसमें कुंडलिनी का स्थान है। और यह बड़ा भारी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे बताया था कि श्री गणेश नीचे होते हैं और कुंडलिनी ऊपर होती है। ये बहुत समझने की बात है। इसी चीज को लेकर के लोगों ने बड़ा उपद्व्याप किया हुआ है कि कहना कि गणेश जी मूलाधार चक्र में होते हैं, जिसे सेक्स का संबंध है, या तो बिल्कुल ही सेक्स से दूर हटा करके और कहना कि सेक्स से दूर हटके और सारे ही कार्य करते रहना ये परमात्मा है। इस तरह की दो विक्षिप्त चीजें चल पड़ती हैं। सेक्स का आपके इवोल्यूशन से कोई भी संबंध नहीं, कोई भी संबंध नहीं। लेकिन सेक्स से भागने की भी सहयोग में कोई जरूरत नहीं। एक जीवन यापन की वो भी एक चीज है, पर इतनी महत्वपूर्ण नहीं जिसे लोग समझते हैं। और एक साक्षी स्वरूप घर गृहस्थी में स्त्री पुरुष के प्रेम का एक साधन है। सिर्फ पति पत्नी के बीच में यह संबंध होना चाहिए और किसी के भी प्रति पवित्रता ही धारण करनी चाहिए। उससे आगे स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में मैंने बताया कि स्वाधिष्ठान चक्र चारों ओर घूमता है, जो कि नाभि चक्र से निकलता है और कमल की डेढ़ के जैसे वो चारों तरफ घूमता है। और इस भवसागर में, इस वॉइड में, वो हर तरह के नक्षत्र और हरेक चीज की स्थापना करता है, जिसे हम जड़ वस्तु कहते हैं। पृथ्वी तत्व तक तो उसकी कार्य होता रहता है। जब मनुष्य कोई सा भी इस तरह का क्रिएशन का कार्य करता है, तब वो इसी चक्र को इस्तेमाल करता है। इसमें ब्रह्मदेव और सरस्वती जी की शक्ति कार्य करती है। उस दिन मैंने ये नहीं बताया कि ब्रह्मदेव जी ने एक ही बार इस संसार में जन्म लिया, एक ही बार, उसकी कोई वजह थी। और आपको कहने पर आश्चर्य लगेगा कि हजरत अली जो थे, जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, वही एक अवतरण संसार में ब्रह्मदेव का हुआ था, एक ही बार। ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है कि लोग मानेंगे ही नहीं इस बात को, लेकिन आप लोग अगर वाइब्रेशन में देखें तो आप समझ लेंगे कि मैं आपसे झूठ नहीं बता रही। इसलिए जिनको लिवर आदि की तकलीफ हो जाती है या इस चक्र के कारण जो डायबिटीज की तकलीफ हो जाती है, इम्बैलेंस की वजह से, जो मैंने आपसे बताया था, जो रजोगुणी लोग होते हैं उनको जो तकलीफें हो जाती हैं, उन सब तकलीफों का इलाज है हजरत अली साहब का नाम लेने से भी वो तकलीफ ठीक हो जाती है। बड़े आश्चर्य की बात है, पर है सही। मुसलमान इसको मान लेंगे तो आप नहीं मानिएगा, और कृष्ण को आप मानिएगा तो मुसलमान नहीं मानेगा। बड़ा रोना है दुनिया में। हालांकि ये सभी इसी एक ही शरीर विराट में बसे रहते हैं, इनका सब आपस में रिश्ता है, क्योंकि हजरत अली साहब दामाद थे मोहम्मद साहब के, और मोहम्मद साहब जो है वो राजा जनक के अवतरण है। उनके जो दो बेटे थे हसन और हुसैन, जिनको करबला में मार डाला था, वो लोग दूसरे तीसरे कोई नहीं है लेकिन सीता जी के लड़के लव और कुश, जो आगे चल करके अवतरण लेते हैं, जैसा मैंने आपसे पहले बताया था कि महावीर और बुद्ध की रूप। अब ये मैं बात सही कह रही हूँ कि नहीं, या आप अपने सहजयोग के एक्सपेरिमेंट्स में देखिएगा। एकदम से किसी बात को मना कर देना भी सहजयोग में बड़ी गलत बात हो जाएगी। जब आप पार हुए हैं, आपको, आपने कभी वाइब्रेशंस फील भी नहीं किए थे, आपको मालूम भी नहीं था चैतन्य क्या चीज़ है और ब्रह्म क्या चीज़ है और ब्रह्म ज्ञान क्या है। यही ब्रह्म का ज्ञान। आज तक ये ज्ञान संपूर्ण इसलिए नहीं बताया गया कि हर एक अवतरण अलग अलग जगह एक एक एस्पेक्ट को लेकर के पैदा हुआ। आज वो समय आ गया है कि इसका संपूर्ण, समग्र, इंटीग्रेटेड पूरा ज्ञान आप लोगों के सामने उद्घाटित किया जाए। ये सत्य है या नहीं, ये आप सिर्फ रियलाइजेशन के बाद ही जान सकते हैं, उससे पहले नहीं। पर इस देश में अभी भी हजारों ऐसे लोग हैं कि वो कहते हैं कि हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि रियलाइजेशन भी हो सकता। वो सोचते हैं कि भगवान ने छोड़ दिया, अब दुनिया ऐसी तबाह हो जाएगी। इस तरह से परमात्मा के ऊपर बड़ा भारी आरोपण हो जाए। जिसने ये सृष्टि बनाई उसको तो इसकी चिंता है ही, उसका कोई ना कोई अर्थ तो निकलना चाहिए, उसकी मीनिंग कुछ तो लगनी चाहिए, नहीं तो इस मेहनत का क्या मतलब हुआ। पर मनुष्य इतना अकलमंद बनता है कि वो परमात्मा के बारे में भी
पक्के दिमाग से यही कहता कि हाँ ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मुझे पूर्ण विश्वास है, आई बिलीव। आप किस तरह से विश्वास करते हैं, आप किस प्रकार इसे आपने जाना है, इस मामले में वो एक अक्षर भी नहीं बोलते। ये आदमी का बड़ा भारी अहंकार है। सहयोग में अगर आप हम्बल नहीं हो और आप अगर इस चीज को जाने कि हमने अभी तक जाना नहीं, अभी हमें बहुत जाना है, हमें अभी पाना है, पाने के बाद ही भी आप एक एक चीज का उद्घाटन बहुत अच्छी तरह से वाइब्रेशंस में देखिएगा। जिस आदमी में गहराई नहीं होती वो बहुत ऊपरी तरह से सहयोग की तरफ देखता है और सहयोग को आप ऊपरी दृष्टि से नहीं देख सकते। इसके बाद में आपको मैंने नाभि चक्र के बारे में भी बताया है। अभी संक्षिप्त में आप जानते हैं कि नाभि चक्र में ही अपनी इवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं, जिससे हमारी उत्क्रांति होती है, जिससे हम अमीबा से ह्यूमन बीइंग्स बन गए, जिससे हम देखते हैं केमिस्ट्री में पीरियोडिक लॉज जो बने हुए हैं, वो सब इसी शक्ति धर्म की धारणा से होता है। हर एक वस्तु में उसकी उसकी धर्म की धारणा है। जैसे कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, हाइड्रोजन की अपनी वैलेंसी है, ऑक्सीजन की अपनी है, उसका पूरा चार्ट बना हुआ, इतना सुंदर चार्ट बनाया हुआ है कि कोई ये नहीं कह सकता कि लॉ ऑफ चार्ज से बना, इतना सुंदर वो बना हुआ है। उसका फिर से रिपीट कैसा होता है, उसके 8 कैसे हिस्से बने हुए हैं, बहुत देखने काबिल चीज है। ये सारी धर्म की धारणा जो भी है ये इस उत्क्रांति के वजह से होती है। माने इन्हीं अणुरेणुओं के जो धर्म है वो जब बदल जाते हैं तभी धर्म में उत्क्रांति होती है। आप लोग भी एलिमेंट से बने हैं, इन एलिमेंट्स की जब धर्म की स्थिति बदल गई तभी आप धीरे धीरे उत्क्रांति को पहुंचते हुए आज मानव बन गए। अब मानव से सिर्फ एक ही सीढ़ी और जाने से ही आप उस दशा में पहुंच जाइएगा जिसे हम कहते हैं कि आप पार हो गए। लेकिन पार होना क्या है ये मैं इस लेक्चर के अंत में बताऊं। उसके बाद तीसरा चक्र जिसे हम हृदय चक्र कहते हैं, इसके इस तरफ में हृदय है जहाँ शिव का स्थान, साक्षात आत्मा स्वरूप। यहाँ पे हमारे अंदर सदाशिव, वैसे तो अपने माथे के ऊपर यहाँ रहते हैं लेकिन इनको सदाशिव कहते हैं, लेकिन उसकी ये जो उनका पीठ होते हुए भी, जैसे कि यहाँ का दिल्ली का पीठ जो है ये आपकी यहाँ तखत है समझ लीजिए, लेकिन ये सब दूर घूमते रहते हैं। इसी प्रकार हालांकि पीठ ये है लेकिन उनका चक्र जो है वो उदय में कहना चाहिए, या उसको कहना चाहिए कि वहाँ उनके उनका प्रतिबिंब है जो आत्मा स्वरूप वहाँ रहता है। ये आत्मा हर समय शरीर में से निकल के और बाहर की ओर आता है और बहुत बार भटकता है, इधर उधर देखता है और सारी बात की खबर रखता है। यही आत्मा जो है इसे कृष्ण ने क्षेत्रज्ञ कहा है। यही जो है जो क्षेत्र को जाना वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा स्वरूप अपने हृदय में बस, यही परमात्मा और जिसे मनुष्य परमेश्वरी शक्ति के नाम से जानते हैं उसका द्योतक है। इसके बीचों बीच जो चक्र है जिसे कि हम हृदय चक्र कहते हैं, जो कि कार्डियक प्लेक्सस को चलाता है, ये हृदय चक्र में जगदम्बा का स्थान है, दुर्गा जी का स्थान है, जिनको हमने 1000 शब्दों में वर्णित किया है लेकिन उन्होंने अनेक और भी जन्म लिए हैं। ये इस भवसागर में आती हैं और यहाँ पर जो जो भक्त लोग परेशान रहते हैं उनको आकर के चेतना देती और उनके अंदर शक्ति भरती हैं, और इन्होंने अनेक बार इसीलिए जन्म लिया कि भक्तों की रक्षा करें और उसके अंदर वो शक्ति दे जिससे वो दुष्टों का नाश कर सकें और दुष्टों का पारिपत्य कर सकें। उससे इस साइड में यहाँ पर बनाए नहीं है लेकिन स्थान है यहाँ पर भी, जिसे कि हम राइट साइड में कहते हैं चक्र है। ये चक्र आप देख रहे हैं कि रजोगुण पे या जिसके कहते हैं पिंगला नाड़ी पर यहाँ पर इसकी मर्यादा बनी हुई है और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्थान है। यहाँ से 10 अवतरण में से 8वां अवतरण यहाँ पर हुआ और उसके बाद वो एक तरफ हो गए क्योंकि उनको ये भी भुला दिया गया था कि वो अवतार है, वो पूर्णतया मनुष्य के रूप में संसार में रहे, क्योंकि मानव को ये बताना था कि एक आदर्श मनुष्य किस तक पहुंच सकता है, किस हद तक पहुंच सकता है। इसलिए मैंने आपसे बताया था कि जिस मनुष्य के अपने पिता से संबंध ठीक नहीं हो, या अपने पत्नी से संबंध ठीक नहीं हो, या जो प्रजा ठीक न हो, जो राजा ठीक न हो, या जो अपने बेटों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता हो, ऐसे आदमी का ये चक्र पकड़ता है। अगर ये किसी आदमी का चक्र पकड़ा हुआ है तो उसको जान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में मर्यादा नहीं रह चुकी। स्त्री का अपना स्थान होता है, बहुत से आदमियों की ऐसी गंदी आदत होती है कि अपने स्त्री को अत्यंत बुरी तरह से और बहुत ही गंदी दशा में रखते हैं और खुद बहुत अच्छी हालत में रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम जैसा चाहे वैसा होगा।
या उनको बहुत सताते हैं, उनको बहुत पीड़ा देते हैं। और बहुत से आदमी ऐसे भी होते हैं कि जिनमें एक पत्नी व्रत नहीं रहता, या तो आप विवाह ना करें, अगर आप विवाह करते हैं तो जो कुछ भी विवाह के उसके जो मंगल पद हैं उनके साथ आपको रहना चाहिए। जो आदमी विवाह करके और उसका उल्लंघन करता है, उसको विवाह करने का कोई अधिकार नहीं और वो इसलिए शासित होता है। हम लोग इसको कुछ समझते ही नहीं है। आजकल ऐसा ऐसी दुनिया हो गई कि हम इस चीज़ को कुछ समझते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि वाह, हम तो राजा साहब हो गए और हमारी तो मैत्रानी घर में, उसके साथ जैसा भी व्यवहार करें हमें तो कुछ करता ही नहीं। ये बात नहीं, आपका ये चक्र पकड़ जाता है। और फिजिकली क्या होता है, फिजिकली जब ये चक्र पकड़ता है तो आपको श्वास की बीमारी लगती है, आपका सांस फूलने लग जाता है। अनायास आप चलते हैं तो आपको लगता है मेरा श्वास फूल रहा है। आप में बड़ा क्रोध आ सकता है, इसे क्रोध भी बहुत आ सकता है और इससे आगे चल करके आपको कैंसर हो सकता है लंग्स का और इस तरह की अनेक बीमारियां हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें आपको इसी चक्र की वजह से हो, अनेक चक्रों से भी हो सकती है, लेकिन एक बीमारी से हो सकती है इस तरह से। इसलिए जो इंसान अपनी पत्नी का लक्ष्मी स्वरूप, उसका मान सम्मान घर में नहीं रखता है, उसमें अनेक तरह से पीड़ित होता है। उसके बच्चे उसकी इज्जत नहीं करेंगे, और अगर बच्चे ने उसकी इज्जत भी की तो भी वे व्यर्थ जाएंगे, क्योंकि माँ ये शक्ति स्वरूप हो। अपने देश में माँ का बड़ा मान है, और जब पुरुष ये समझ लेता है कि मेरे बच्चों की माँ है, तब उसे लक्ष्मी स्वरूप अगर न समझे तो उसने श्री रामचंद्र जी को नाराज कर दिया, इतना ही नहीं हनुमान जी को नाराज कर दिया। हनुमान जी की तो ये दशा थी कि उन्होंने रामचंद्र जी के विरोध में भी सीता जी को सपोर्ट किया था, तो ऐसे हनुमान जी से बहुत बच के रहना पड़ता है। हनुमान जी तो आप जानते हैं कि बड़े बीहड़ देवता है, वो अगर कभी नाराज वाराज हो जाए तो वो सीधे सीधे नाराज नहीं होते हैं, उनके तरीके इतने गड़बड़ होते हैं कि आप लोग बिल्कुल उनके चक्कर में मत आइए। मैं आपसे सच सच बताती हूँ कि वास्तविक मनुष्य समझ ही नहीं पाता है कि हम अनायास ही कितने दुख बेकारी में अपने पे जोड़ते हैं। और लोग कहते हैं तो भगवान ने ही सब दुख बनाए। क्या भगवान ने कहा था कि आप विवाह करो, विवाह वेदी पर पत्नी बनाओ और उसके बाद में बेवकूफियां करते घूमो? विवाह संस्था जरूर भगवान ने बनाई है, हर विवाह संस्था में वो खुद हाजिर होते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन विवाह के बंधन को हम उसको मंगल और शुभ और कल्याणकारी बनाते हैं कि एक आफत मचाए रखते हैं। खासकर आजकल के जमाने में इतनी गंदी प्रथा चल पड़ी है कि जब भी मजाक करना तो पत्नी का मजाक करते हैं। पत्नी ये बहुत बड़ी पूजनीय चीज है, ऐसा कहा जाता है यत्र नार्या पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पे स्त्री पूजनीय होती है और पूजी जाती है वहीं देवता का रमन होता है। आजकल जो इतने राक्षस यहाँ आ गए हैं, इसका कारण यही है कि यहाँ नारी जाति का बड़ा अपमान। हालांकि मैं आपसे ये कहूंगी कि हिंदुस्तान की स्त्री जैसे स्त्री आपको संसार में नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान की माँ जैसी माँ आपको संसार में नहीं मिलेगी। हम लंदन में रहते हैं, हमने देखा, हमें तो आश्चर्य होता है कि वहाँ की माएँ हैं कि दाइयाँ भी उससे अच्छी अपने यहाँ की, इस तरह से वो लेती, बिल्कुल मर्सी न रही। बच्चों के प्रति उनको कोई प्रेम नहीं, पति के प्रति उनको कोई प्रेम नहीं, जरा सी कोई चीज गड़बड़ हो गई तो डिवोर्स करने को खड़ी हो जाती है। घर में कोई काम नहीं करती, आदमी को सुबह से शाम तक बिल्कुल उन्होंने बेहतर बना दिया, आदमी को तो हालत ऐसी चौपटा दी है। और कहते हैं कि हम भी पहले हिंदुस्तानी औरतें जैसी थी, लेकिन हमने समझ लिया कि आदमी ऐसे नहीं ठीक होता तो उसके हम खोपड़ी पे चढ़ गए। अगर औरत अगर उत्पात करे तो आदमी का कोई ठौर नहीं। इसलिए मेहरबानी से आप जरा से समझ में आए, इस पे विचार करें कि आप होंगे बहुत बुद्धिमान होंगे, लेकिन स्त्री का अपना स्थान है, आपका अपना स्थान है। अगर आप स्त्री को बहुत दबाइएगा तो जब वो स्वतंत्रता के नाम पे उठेगी तो ऐसा आपको ठिकाना लगाएंगे, आप देख ही चुके हैं, एक तो लगा चुकी हैं आपको ठिकाना वो उसी यूपी के देश से पैदा हुई जहाँ सीता जी को घर से निकाल दिया था, और अब देखिए जो आई हुई है इस तरह के नमूने। इसलिए आप समझ लीजिए कि औरत की जो सहिष्णुता है, उसका जो प्रेम है, उसका महत्व करना चाहिए, क्योंकि प्रेम संसार में आप खरीद नहीं सकते। जब औरत क्रूएल हो जाती है तो सोच लिए कि वो मनुष्य भी ज़्यादा इतनी भयंकर नराधम हो जाती है कि आप उससे मुकाबला नहीं ले सकते। इसलिए अपने यहाँ अपने लड़कियों का आदर करना, अपनी पत्नी का आदर करना, ये बहुत ज़रूरी। उससे ऊपर का जो चक्र है, जिसे कि हम शुद्धि चक्र कहते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपसे बताया था कि ये श्री कृष्ण का चक्र है, इसमें राधा जी का वास है। जब श्री कृष्ण जी संसार में आए तब पहली मर्तबा मनुष्य की अवेयरनेस में, उसकी चेतना में डिप्लोमेसी का सेंस आया। उससे पहले उसको डिप्लोमेसी मालूम नहीं, वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता था नाक के सिद्धांत। उसके बाद कृष्ण ने कहा कि ये टेढ़े लोग हैं, इनमें डिप्लोमेसी भरनी चाहिए। और डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि जो शुद्ध और पवित्र डिप्लोमेसी होती है वो मनुष्य के लिए कल्याणकारी।
अत्यंत उस हितकारिणी होती है। जैसे आप जानते हैं कि उनको रणछोड़ दास कहा जाता है। एक बार एक राक्षस को ऐसा वरदान मिला था कि उसी को उसको कोई नहीं मार सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी उसको नहीं मार सकते थे, और उसने कृष्ण की सारी सेना को मारना शुरू कर दिया। और कृष्ण जी भी वहाँ उसके साथ समझ गए थे कि ये इसको तो कोई मार नहीं सकता क्योंकि इसको वरदान मिला है, तो लेकिन इसका मारना जरूरी है, कि उन्होंने हाहाकार मचा दिया, त्राही त्राही कर दी। अब क्या करें, क्योंकि इनको तो वरदान मिला हुआ है, तो उन्होंने ये सोचा कि ठीक है इनका इलाज किया जाए। तो एक ऋषि थे, बहुत तपस्वी ऋषि थे, और ये ऋषि लोगों को एक जरूर मिल जाती है आशीर्वाद स्वरूप एक शक्ति कि वो किसी को चाहे भस्म कर सकते हैं। तो ये ऋषि जी ने बड़ी तपस्विता की थी और ये सो गए थे और वर्षों से सो रहे थे। तो उनको ये वरदान था कि जिस आदमी को आप पहली मर्तबा आँख खोल के देखिएगा वो भस्म हो जाएगा, चाहे वो कोई भी। तो ये रणछोड़ दास जी भागते भागते और इस राक्षस को अपने साथ लेते हुए, राक्षस उनको फॉलो कर रहा था, उसके गुफा में गए और जाकर के उस पे ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, अपनी जो शॉल थी उस पे बिछा दी। इसने सोचा, राक्षस ने सोचा कि ठीक है यही कृष्ण सो रहा है। तो उन्होंने खूब चिल्लाया, अच्छा आप पकड़ में आ गए, अब कहाँ जाओगे, तुमको तो अब कोई बचा नहीं सकता, मैं तो वरदान में हूँ, और चलो। और जैसे ही उन्होंने उनका कपड़ा खींचा वैसे ही उठते था, इन्होंने उनको बस पकड़। ये डिप्लोमेसी, लेकिन ये कल्याणकारी और हितकारिणी है। कृष्ण का संहार भी हितकारिणी है। लोग अहिंसा अहिंसा कहते रहते हैं, अहिंसा का कोई अर्थ ही नहीं समझता है। लोग कहते हैं कि जैन लोग खास करके कहते हैं कि कृष्ण बहुत खराब थे, वो तो परमात्मा हो ही नहीं सकते और वो किसी काम के नहीं, क्योंकि उन्होंने हिंसा करी। अगर राक्षसों की हिंसा अगर परमात्मा नहीं करेगा तो क्या राक्षस कहने आओ मुझे खाओ, और भाई तू सबको खाता रहे, राक्षसों को ये कहना है? इनकी तो रक्षा नहीं करनी चाहिए ना, या उनके लिए आप भेजिए बना बना करके सब लोगों के शरीर को काट काट के भेजिए कि हाँ खाओ भाई तुम्हारा ये खाना है, हम भेज रहे हैं, क्योंकि हम तो साधु सन्यासी सहयोगी। राक्षसों का तो हनन करना ही जरूरी है, उनको बगैर हनन के नहीं होता, क्योंकि राक्षस वो जाति होती है जिसके पास में आत्मा नहीं, जिसके अंदर कुंडलिनी नहीं होती, और उनकी आंखें बिल्लियों जैसी होती है। आपने बिल्लियों की आंखें देखी होगी, कभी देखी है? बिल्ली की आंख एकदम से झपक करके एकदम बंद हो जाती है और अंदर की तरफ मुड़ जाती है। ऐसे राक्षस आजकल बहुत है, कम से कम 16 राक्षसों ने जन्म लिया है और 6 राक्षस इन्होंने जन्म लिया है। आप देखें उनकी आंखें, आप जाके देखें तो पता चलेगा, कभी कभी वो अपनी आंखें ऊपर ही नहीं करें। ऐसे राक्षस कलयुग में इतने सारे आ गए और आपके खोपड़ियों में भी घुस गए। मुझे तो ये लगता है कृष्ण ने ये कहा था कि भाई परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन यहाँ तो मैं देखती हूँ कि कोई पूरा साधु ही नहीं है, किसी के सिर में एक योगी घुसा है, किसी के सिर में दूसरा भूत घुसा है, किसी के सिर में तीसरा भूत घुसा है, जिसको देखो वो कोई ना कोई गुरु का भूत घुसा करके यहाँ आता है। अब उनसे मैं कहूँ कि बेटे तेरे अंदर ये भूत घुसा है तो मुझे मारने को दौड़, और इसी कारण संसार में कन्फ्यूजन हो गया, और ये जो आज कलयुग बना हुआ है इसी कारण कन्फ्यूजिंग। और जब तक मनुष्य उस कन्फ्यूजन से निकलता है तब तक इतना ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, और उसकी कुंडलिनी इस तरह से दुखित हो जाती है, इतनी उस पर चोटें हो जाती हैं कि उन चोटों को ठीक करते करते हमारे तो हाथ टूट जाते। अब कोई कहेगा कि माँ हम आप पे इतने आए, ने ये किया और आपने पार नहीं किया, हम तो मेहनत कितनी कर रहे हैं आप जान रहे हैं, हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप पार नहीं हो रहे हैं तो दोष तो ये है। मैंने कहा कि भाई सेकंड हैंड कार हो तो भी ठीक हो जाए, फोर्थ हैंड हो तो भी हो जाए, लेकिन एकदम ही खटारा आप ले आए तो कुछ तो मेहनत करने पड़ेगी हमको, तो भी हम तैयार हैं, और तो भी आप चिपके हुए हैं, खटारा भी गाड़ी आ जाए और उसमें एक आप हाथी बिठा के लाइए तो हम उसे क्या कहें, कम से कम हाथी तो उतार दो, आपके गुरु ने आपको क्या दिया ये सोचना चाहिए। अगर आप सोचते हैं आपको कुछ मिल गया तो भाई मुझे माफ करें, अगर नहीं मिला तो आपको फिर मेरी बात, गुरु का नाम लिया और लोगों की तो एकदम मस्तक गर्म हो जाता है, अरे भाई सोचो मैं कोई तुमसे रुपया पैसा नहीं मांग, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम अपनी संपदा को पाओ, और अगर वो संपदा नहीं मिल रही है तो मैं तुमसे बता रही हूँ कि ये जिसको आदमी को जिसको भी तुमने अपना गुरु माना है ये गुरु के योग्य नहीं, इसको क्यों माना तुमने, उसका कारण मैं अब आपको आगे बताऊंगी। इसके लिए आप अगला जो चक्र है इसको आप देखिए, ये आपकी पेशानी है, ये पेशानी आपकी 11 रुद्रों से बनी है, इसमें एकादश रुद्र है, ये बहुत ही बड़ी चीज है। मनुष्य की पेशानी बड़ी जबरदस्त है, 11 रुद्रों से माने 11 बड़े भारी चक्र इसके अंदर, लेकिन इस 11 चक्रों का जो बीचों बीच चक्र है, मतलब 10 चक्र तो चारों तरफ और बीच में जो चक्र है, ये चक्र देखिए सूर्य की तरह है, और ये सूर्य चक्र है, और इस चक्र में श्री गणेश स्वयं अवतरित हुए हैं और संसार में आए हैं, जो कि क्राइस्ट है, खुद क्राइस्ट जो है ये ब्रह्म के स्वरूप है, इसीलिए उनका शरीर भी उन्होंने ब्रह्म स्वरूप ही रखा है। एक स्पेशल समझ लीजिए एक जीव बनाया गया था, इसको आप अगर देवी भागवत पढ़ें, हालांकि आप लोग कभी पढ़ते नहीं,
मार्कंडेय पुराण पढ़े, उसमें सब में उनको बताया हुआ है। उनका नाम था महाविष्णु। इनके पिता स्वयं साक्षात श्री कृष्ण विराट थे। जो बार बार ये फादर की बात करते हैं वो श्री कृष्ण थे। अब ईसाई सुनेंगे तो मुझे मारने को दौड़ेंगे, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता, अब वो समझ गए। वो जो बार बार अपने फादर की बात करते हैं, इस तरह से उनकी जो दोनों उंगलियां हैं, एक देखिए विशुद्धि चक्र की उंगली है और नाभि चक्र की, नाभि में विष्णु जी हैं और इस पर कृष्ण जी, हमेशा उनकी दो उंगलियां रहती हैं कृष्ण की, सिर्फ उसके सिवा वो कुछ नहीं जानते संसार, अपने पिता के सिवा। और अगर आप देवी भागवत पढ़ें, उसमें महाविष्णु का वर्णन पढ़ें, तो बिल्कुल तंतोतंत इनसे मिलता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं ही उनको अपने से ऊंचे स्थान पर बिठाया और अपने बाद उनका जन्म किया है और उनसे कहा है कि जो जो मुझे लोग अर्घ देंगे, जो कुछ भी मैं पाऊंगा उसका 16वां हिस्सा तुम्हें हमेशा मिलता रहेगा और तुम सारे समस्त संसार के आधार स्वरूप रहोगे और तुम साक्षात ब्रह्म में ही रहोगे, इसलिए तुम्हारा शरीर कभी नष्ट नहीं होगा। क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ये जो आत्मा है और जो चैतन्य है ये किसी तरह से नहीं मिटता है, चाहे कुछ भी हो जाए ये मिट नहीं सकता। ये सिद्ध करने के लिए ही क्राइस्ट का जन्म संसार में हो। अब क्राइस्ट नाम पर भी आप अगर ध्यान दें तो ये भी नाम ख्रिस्त है और ख्रिस्त शब्द जो है ये कृष्ण से आया, क्योंकि कृष्ण का बेटा था इसलिए बाप का नाम चलाना था, इसलिए उसका नाम ख्रिस्त है। लेकिन उसका नाम जीसस भी जो है वो राधा जी का लड़का होने की वजह से राधा जी ने सोचा कि आज तक यशोदा जी का कभी भी कहीं नाम नहीं आया, इसलिए ने यशोदा माने जीसस, जैसे कि हम कहते हैं जसोदा, येसु कहते हैं हमारे यहाँ, अगर जसोदा किसी का नाम हो तो उसको जसु कहते हैं और यशोदा को येसु कहते हैं। तो बहुत से लोग जैसे मराठी में ईसा मसीह को येशु कहते हैं और जसोदा को येसु कहते हैं। अब ये ईसाई लोग इस बात को कभी नहीं मानने वाले और आप लोग भी, बड़ा मुश्किल है क्योंकि ईसाई लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं, ये सब एक ही बट्टे के। ईसा मसीह ने खुद अपने इसमें कहा हुआ है कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ, वो कौन लोग हैं जो उनके साथ हैं। वो तो बेचारे 3 साल रहे दुनिया में, समझ लीजिए, क्योंकि 12 साल की उम्र में तो कश्मीर चले आए, उसके बाद जब वापस गए वो 3 साल जीवित रहे, उसमें सबने उनकी हालत खराब कर दी, 3 साल के अंदर उनको क्रूसीफाई कर दी। वो पूरी बात कहाँ से कर पाते, तो भी उन्होंने कहा कि आई विल अपियर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। ये टंग्स ऑफ फ्लेम्स जो है बिल्कुल कुंडलिनी टंग्स ऑफ फ्लेम जैसे थी, कुंडलिनी की जो चक्र है वो टंग्स ऑफ फ्लेम जैसे ऐसे ऐसे जीवित, जैसे कोई फ्लेम्स हो, उस तरह से होती। खासकर सहस्त्रार बहुत सुंदर है, सहस्त्रार में अनेक रंगों की फ्लेम्स है और जो बीच की है वो बिल्कुल ही स्फटिक जैसी, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है और बाहर से वो सब ऑरेंज और नीली इस तरह की होते होते स्फटिक कलर में आ जाए, एकदम कमल के जैसे सहस्त्रार इस तरह से है। उसमें 1000 पंखुड़ियां हैं। अब डॉक्टर लोग कहते हैं कि 900 हमारी वो हैं और 982 हैं और 8 हमारी मोटर नर्व्स हैं, और ये बेकार के झगड़े करने से कोई फायदा, उनको खुद सहस्त्रार को कभी देखना चाहिए। पर आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपको मैंने बिल्कुल बीचों बीच 37 सूक्ष्म में निकाल करके वहां पहुंचा, इसलिए आपने कुछ भी नहीं देखा। यही बुद्ध के साथ हुआ था, इसलिए बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते क्योंकि उनके पास माँ नहीं आई थी बताने के लिए कि बेटे ये माँ की वजह से हुआ। अकस्मात एक दिन थक के वो लेटे हुए थे, तब सहज योग से ही वो पार हुए और कुंडलिनी बिल्कुल अंदर से गुजर के बाहर चली गई। जब आप किसी चीज के अंदर से गुजरते हैं तो बाहर की कोई भी चीज नहीं दिखाई, और इसीलिए आपको कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है। अगर कोई चीज दिखाई दे तो सोचना कि आप बाहर आ गए, कोई चीज दिखाई नहीं देना चाहिए आपको। जब आप अंदर से जाए तो सिवाय शांति के और निर्विचारिता के कोई भी चीज आपको नहीं दिखाई देनी चाहिए, ये सहयोग की पहचान। ऐसे तो बहुत से लोग कहते हैं चलो तुम्हारे घुमा देते हैं आज्ञा चक्र। परसों किसी ने कहा था कि ये तीसरा नयन जो है उसको वो क्या होता है, यही आज्ञा चक्र है जो कि हमारे बीचों बीच है, ऑप्टिक थैलेमस, जहां पर हमारी ऑप्टिक नर्व्स जो आंखों की नर्व्स है जहां पे बीच में मिलती है वहां अति सूक्ष्म ऐसा है। और उसकी यह खिड़की है जो बाहर है, जहां मेरा सिंदूर लगा हुआ है, ये उसकी खिड़की है। अब जब आप इसको उल्टा घुमा देते हैं तब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वो भी मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ कि वो किस तरह से शॉर्ट सर्किट होता है और आप चीज क्या देखते हैं। इस चक्र पे सबसे बड़ा आयुध जो कि नीचे में गणेश जी का स्वस्तिक था वही ऊपर में क्रॉस हो गया। लेकिन क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन जो है ये उसका मैसेज नहीं है, उसका मैसेज उसका रिजरेक्शन है। क्योंकि जिस तरह से कृष्ण ने कहा था कि ये शरीर मर सकता है लेकिन ब्रह्म तत्व नहीं मर सकता, तो जो ब्रह्म तत्व का शरीर था वो सशरीर उठ करके संसार से चला गया। ये प्रूफ है उनके फादर के वचनों कि ये तत्व नष्ट नहीं हो सकता। अब आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ का मंत्र जो है वो अल्लाह अकबर है, विशुद्धि चक्र। कान में उंगली डाल करके आप अल्लाह अकबर कहें तो आपकी सर्दी जुकाम अभी जो आप खास रहे ठीक हो जाए, अगर आप पा रहे हैं तो। अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह जो है वो विराट है,
अकबर माने विराट है, और यह श्री कृष्ण का वर्णन है। मोहम्मद साहब ने खुद ही श्री कृष्ण का वर्णन इतने जोर से किया हुआ है, जहां जहां उन्होंने अल्लाह कहा वहां वहां वो श्री कृष्ण की बात करे, जहां जहां क्राइस्ट ने फादर की बात की वो श्री कृष्ण के बारे में कहे। लेकिन निराकार की बात इसलिए की कि निराकार की बात किए बगैर लोग जो है बिल्कुल जड़ता में फंस गए, जिस देश में यानी अपना ही देश समझ लीजिए, यहां पर कि पहले साकार की बात की गई, फूलों की बात की गई, तो लोग कहने लगे कि फूलों पे बैठ जाओ, शहद की किसी ने चर्चा ही नहीं की। मूर्ति पूजा होने लगी, मूर्ति पूजा में भी अर्थ है, विग्रहों में भी अर्थ है, सब चीज में अर्थ है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि इन सब पे ही सब चक्रों पे देवता बैठे हुए और सब में ही अर्थ है, लेकिन कौन सी मूर्ति सही है कौन सी झूठी मूर्ति है इसका भी पता नहीं रहता। ऐसी बहुत सी मूर्तियां होती जिसके अंदर भूत बैठे रहते, अधिकतर ये लोग जो मूर्तियां से लेकर देते हैं बस आपने घर में रखा, आपके घर में चोरी हो जाएगी, और अगर आपने उसको कहीं अपने बक्से में बंद कर लिया तो बक्सा के बक्सा ही उड़ जाएगा, तो आप करके देखिए। इस तरह से जो मूर्तियां देते हैं भूत बिठा के देते हैं, जैसे तावीज दे दिया, गंडे दे दिए, अंगूठियां दे दी, इन सब में आप जान सकते हैं कि इतनी बुरी तरह की आत्माएं भरी रहती हैं कि आप अगर पार हो जाए तो आप उठा के फेंक। इस तरह के फोटो भी होते हैं, एक बाबा जी जो यही देते हैं उनका फोटो एक स्त्री के घर में था, उनके यहाँ वो मेहमान आए तो घर में आते साथ के बाप रे मेरा तो सर फिर गया, वो हमारी शिष्या थी, उनका भाई तुम्हारे वो कहीं है क्या बाबा जी तुम्हारे, वो कहा कि नहीं भाई मेरे पास तो कुछ नहीं, तो उन्होंने बक्सा खोला उसमें एक छोटा सा फोटो था, उनका उसको पहले फेंको नहीं तो तुम जाओ घर से, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। 40 से 50 साल के अंदर हार्ट अटैक आना ही चाहिए उनके यहाँ, ऐसा कोई आदमी आप बताइए जो उनका शिष्य हो जो 40-50 के बाद बचा, कोई भी बता दे, खासकर अगर पत्नी उनकी शिष्या हो तो हस्बैंड को आना ही चाहिए, आप देख लीजिए सही बात है। मैं इसमें अगर कुछ झूठ बोल रहे तो अनेक इसके मैं उदाहरण दे सकती, बड़े बड़े यहाँ वो थे विंग कमांडर थे, कौन थे वो मेरे पास है, उनको हार्ट अटैक, उनका नाम क्या मैं भूल गई, मेहरा साहब, हमारे वो थे नंदा साहब उनके ब्रदर इन लॉ, अरे भाई एक ही तो है वो झबरे वाले, क्या है गंदेव का नाम लेते मेरे मुंह से, नाम बताओ उनका असली महिषासुर है, सत्य साई बाबा जिसको कहते हैं, वो असत्य है इसीलिए अपने ऊपर में वो लगाए हुए एक और जो लोग होते हैं वो इसमें भूल जाते हैं कि उनको अंगूठी दे दी। अभी एक बहुत रईस साहब मुझे मिले, किसी मिनिस्टर साहब के मैं खाना खाने गई थी, वहां बताने लगे साहब देखिए इतनी बड़ी मुझे अंगूठी, 1-2 लाख की अंगूठी इनको दे दी, ये इतने रईस आदमी। मैंने कहा अच्छा आपको अंगूठी दे दी, आपको बाजार में नहीं मिलती क्या अंगूठी, लेकिन ऐसे महामूर्खों के लिए पैदा हुए हैं, ऐसे जिनके पास ज्यादा पैसे हो गए जरूरत के लिए उनके लिए है, सहयोग में ऐसे रईस लोग कभी ही नहीं आएंगे, न तो ऐसे रईस आएंगे और न तो ऐसे सत्ताधारी आएंगे। वो रजनीश के यहाँ नंगे होके नाचेंगे, हमारे यहाँ के 2-4 मिनिस्टर महाराष्ट्र के नंगे होके नाचे रजनीश के, और उनके फोटो खींचे गए और फोटो बिक रहे हैं अमेरिका में बड़े बड़े दामों में, क्या कहने उसमें उनको हर्ज नहीं, और वहां ताता लगा के बैठेंगे सारे मिनिस्टर लोग, दुष्टों के यहाँ राक्षसों के यहाँ वहां जाएंगे और उनसे कहेंगे कि बाबा जी हमें बता दीजिए, और उनसे जाकर क्या कहेंगे कि वो फलाना मिनिस्टर है वो मेरी जगह आने वाला उसका कुछ करदन करो, ये क्या परमात्मा का काम है। फिर उनके छुटभैये भी बहुत सारे घुमा करते हैं, जैसे वो आप जाइए तो आपको एक हमारे नागपुर में है साहब, तो वो आपको घोड़े का नंबर बता दे, आप बताओ भगवान को क्या पढ़िए आपको कौन सा घोड़े का नंबर बताना है, अरे सोचो, और उनके यहाँ ताता लगा रहता है। अच्छा उन महाशय जी की ये पूर्व पीछे का है कि हमारे शिपिंग कॉरपोरेशन में एक साहब थे, हमारे हस्बैंड के डेप्यूटी थे, बड़े शरीफ आदमी थे बेचारे, उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी जो बहुत ही एक दिन आके मेरे पास बहुत रोने लगी। मैंने कहा क्यों क्या हो गया भाई क्यों रो रहा है, तो कहने माता जी क्या करें मेरे जो पति हैं वो सब हमारा घरदार बेच दिया, सब कुछ बेच दिया और सब बेच करके और वो कहीं चले गए, तो हमारे समझ नहीं आता अब क्या करें। तो मैंने कहा बड़े दुष्ट हैं कहाँ चले गए पता नहीं। उसके बाद उनकी माँ आई मेरे पास रोने लगी कि इसका पता लगा, मैंने कहा जिंदा है ये तो पता है लेकिन पता नहीं कहाँ है। उसके साल भर बाद आई मुझे बताने लगे कि मिल गए, मैंने कहा कहाँ, कल नागपुर में वो है उनका नाम गुलाब बाबा और वो यही माश है। मैं जब नागपुर गई तो मैंने खबर भेजी गुलाब बाबा से कहना कि मैं आ रही हूँ, तो वो एक साल तक वहाँ कहीं नजर नहीं आए, उसके फिर दूसरे साल वहाँ हाजिर हो गए। ये हालत है इन लोग, दुनिया भर के चोर उचक्के जेलों से छूटे हुए बड़े बड़े योगी बन करके घूमते, आप ही सोचिए अगर आप समझ लो जेल में बंद हो गए और दुनिया को पता हो गया आपकी बदनामी हो गई, आप वहां से बाहर आएंगे अगर आप बड़े बुद्धिमान और चतुर हैं ट्राइंग टू बी क्लेवर, तो आप क्या करिएगा, सोचेंगे भाई चलो कुछ चोगा पहले और कहीं और जगह चलो, ऐसी जगह जहां खपत हो जाए, तो नॉर्थ का होगा साउथ में जाएगा, साउथ का होगा नॉर्थ में आएगा, चोगा पहन के घूम रहे।
उसके बाद देखा थोड़े देर में गले में हार पहने हुए बाबा जी आ गए। अजीब से कुछ हाथी पे घूम रहे हैं तो कुछ घोड़े पे घूम रहे हैं, कुछ ऊंट पे घूम रहे हैं, कुछ गधे पे घूम रहे हैं। और ये गधे कहाँ मिलते हैं इनको शहरों में? देहात में लोग ज्यादा अकलमंद होते हैं, डाउन टू अर्थ, वो समझ लेते हैं कि हाँ ये हमारे ऊपर चढ़ावा करने आए हैं। ये गधे शहरों में रहते हैं और इन गधों के पास कुछ पैसा भी ज्यादा होता है और कुछ गधे कुर्सियों पे भी बैठे रहते हैं। तो ये अच्छे गधे मिल जाते हैं, इन गधों को बेवकूफ बनाना भी बड़ा आसान है। वो सोचते हैं, इनको ये समझ में नहीं आता है कि ये हमारे पास जो 2 मिनट की कुर्सी आई है और 4 मिनट का पैसा आया है उसके ऊपर नजर रखने वाले आए। और फिर अगर उनसे कहिए कि भाई देखो बेटा ऐसा है कि तुमको देखो स्मगलिंग छोड़ना पड़ेगा, अगर तुम्हें सहयोग में आना ये चलेगा नहीं, बेटा तुमको तंबाकू छोड़नी पड़ेगी, बेटा तुमको शराब छोड़नी पड़ेगी, देखो तुमको ये गंदी चीजें सब छोड़नी पड़ेगी। माता जी बहुत ही खराब है, क्यों? क्योंकि हमसे वो नहीं कहती कि जाओ कुत्ते में बैठो, स्मगलिंग करो, बदमाशियां करो, जब जेल में जाओ तो मैं तुमको टाटा करने आऊंगी। ऐसे ऐसे गुरु संसार में आए, एक गुरु साहब और बसते हैं, वो सबको नाम देते हैं और ऐसा उन पे लोगों पे पगड़ा डाला रखा है। निर्बुद्ध लोग भी होते हैं, कुछ कुछ पैसे वाले निर्बुद्ध होते हैं और कुर्सी वाले बेवकूफ होते हैं। तो उनको भी पकड़ लिया, इनको भी पकड़ लिया और पैसे वालों से कहा कि भाई देखो तुम लंगर लगाओ, सेवा होनी चाहिए गुरु जी की। अब इतने बड़े बड़े बक्से लगते हैं, वहां सेवा होती है और लोग ये समझने लगते हैं कि वाह भाई वाह, गुरु जी ने तो कभी एक पैसा भी नहीं लगाया, अपना ही रुपया खर्चा कर रहे हैं और ये सेवा, अरे ये तो सेवा लंगर लग रहे हैं। ऐसे भी गुरु होते हैं जो लंगर लगाते हैं। समझ लीजिए हम बैठे हैं बीच में, हम लंगर लगाएं, जितना ब्लैक मार्केट का पैसा है, ऐसे है वो मुक्तानंद जी, यही नमूना है वो, उन्होंने ब्लैक मार्केट का बंबई का पैसा जाता है मुक्तानंद के पास, वहां सारे हिप्पी आते हैं, उनको गांजा वांजा सप्लाई होता है, वहां पर आराम से गांजा पीते, गांजा पीना अलाउड है उनके आश्रम, क्योंकि उनकी संस्कृति है, भाई बहन साथ सोए कोई हर्जा नहीं, वो अलाउड, उनकी संस्कृति, हम क्या करें, हम तो उनकी संस्कृति को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अच्छा तो आप किस चीज को डिस्टर्ब करिएगा? तो अब ये लोग हैं, ये कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे यहाँ बड़े साधु संत आते हैं, सब गोरे चमड़े वाले साधु संत, तो हम उसके सेवा में लगते हैं, तो ब्लैक का पैसा वहां जा रहा है। ये उनको खाना लंगर लगाए हुए हैं और ये बीच में बाबा जी जो है उनके पैर में जाते हैं, तो एक भूत डाला उसके अंदर, दूसरा भूत डाला उसके अंदर और इनका गांजा खूब बिकता है। अच्छा हिसाब किताब बना, आप जाके देखिए यही चीज है कि नहीं। ये आनंद मार्ग के बारे में 1970 में मैंने कहा था, मैं आपसे बताती हूँ। और ये दूसरे तरह की किस्म है, किस्म किस्म के लोग हैं, एक एक किस्म किस्म आप सुनिएगा तो आप आश्चर्य में जाएंगे। अब ये आनंद मार्गियों ने दूसरी कमजोरी पकड़ी, इन्होंने ये कमजोरी पकड़ी कि दुनिया में लोगों में हेट्रेड बहुत होती, इसको हेट कर, उसको हेट कर, उसको परेशान कर, उसको ये कर, समझदारी से कोई काम नहीं लेता। आपके अंदर हेट्रेड है, ठीक है, ऐसे ही हम आपको बना देंगे ऐसे शक्तिशाली कि आपके जो दुश्मन होंगे उसकी गर्दन कट जाएगी, ऐसे आपके अंदर शक्ति बना देंगे बिल्कुल कि कुछ पूछे नहीं, शुरुआत बड़ी धीरी होगी, उसके बाद में ये करो वो करो। अब इसमें तांत्रिक पना भी बहुत जबरदस्त करते हैं। अब आखिरी तांत्रिकों पे बता दें, तांत्रिकों का एक ही तरीका है, बहुत सीधा सरल, वो ये है कि किसी तरह से अपने अंदर बसे हुए सब देवताओं को नाराज कर दे। अगर आपने सब देवताओं को नाराज कर दिया, व्यभिचार करो, गालियां दो, उल्टे उनके श्लोक बोलो, एकाध गुरु है, अब समझ लीजिए कि आपने हृदय पे शिव का स्थान ले लिया। अब कापालिक होगा, वो हाथ में रुंड मुंड लेकर के बैठेगा और कहेगा कि शिव 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 शिव। अब शिव जी कहेंगे तमाशा देखो इस आदमी का, बदतमीज कहीं का। अगर कोई आदमी राजा का मुकुट पहन करके और कहते रहे राजा ए राजा ए राजा, तो राजा क्या करेगा, उसके 2 तमाचे लगा के उसे पागल खाने में डाल देगा। लेकिन भगवान लोग ऐसे नहीं होते, वो कहते गए इनको छोड़ो, वहां से उठ जाते हैं, अधिकतर वो उठ जाते हैं, कभी कभी पनिश भी करते हैं, कभी कभी उठ जाते हैं। जब उनका चित्त वहां से हट गया तो वो जो एरिया बच जाता है, जो एरिया छूट जाता है, उसमें वो गंदगी शुरू कर देते, और उसमें जब गंदगी शुरू हो गई तब उनका अधिकार हो जाता है, फिर सबको ला के वहीं फंसाते। इसी प्रकार किसी को मंत्र दे दिया, किसी को दे दिया ऐम रीम, किसको ढीम ढीम, कुछ भी मंत्र दे दिया, इस नाम के भूत होते हैं, वो भूत आपके अंदर आए काम करने लगे। अभी एक देवी जी कल आई थी, कहने लगे मैं 3 ही दिन गई थी माता जी उनके इसमें, और उनका ये हाल, सारा बदन टूट रहा है, हालत खराब, सर में ब्लॉकेड हो गया। मैंने कहा 3 दिन में ये खा लिया तुमने वहां? ये चीज है, समझ लेना चाहिए। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान के नाम पे बड़े बड़े दुष्ट राक्षस संसार में आएंगे और अपने को वो गुरु ही कहलाएंगे। क्या वो आके रावण कहेगा कि मैं रावण हूं? वो ऐसा कहेगा तो पहले उसको जेल में बंद कर देंगे। बहुत से राक्षसिनी आई हुई, डिफरेंट डिफरेंट नेम में आए हैं, हिटलर ने जन्म लिया है, इसने जन्म लिया है, उसने जन्म लिया है,
हिटलर भी एक बड़ा भारी राक्षस, उसने फिर से इस देश में जन्म लिया था, आजकल जेल में। इनको सिद्धियां भी हैं। सिद्धियां माने ये कि ये जानते हैं किस तरह से चौपटाना चाहिए, किस तरह से भूत भरना चाहिए, किस तरह से भूत विद्या करनी चाहिए। ये सारी ही भूत विद्या एक ही परमात्मा की चीज है कि आपकी शक्ति जागृत होनी चाहिए। और जब मैं कहती हूं कि अपनी शक्ति जागृत करे तो हो ही नहीं सकता, हमें तो विश्वास ही नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे अकलमंदों के लिए भी आए हुए। तो एक तरह से मैं हमेशा कहती रहती हूं हमारे शिष्यों से भी यहां पर कि बेटे मेरा स्थान देहातों में, मेरा स्थान इन शहरियों में नहीं है। तुम लोग अब कहते तो दिल्ली में आ गए, अगले बार कह ले एक महीना आ जाओ, चलो एक महीना रगड़ लगा लेंगे। लेकिन कितना भी रगड़ लगाओ तो भी यहाँ के जो बहुत बड़े अकलमंद लोग हैं उनकी खोपड़ी में कितना घुसेगा ये तो मैं नहीं कह सकती। अब माँ तुम्हारी कृपा हो जाए, अरे भाई मेरी तो कृपा हो ही रही है सारे संसार पे, पर एक देहात में अगर 1000 आदमी है तो उसमें 700 आदमी पार हो जाते हैं, और एक दिल्ली में अगर इतने हजारों हैं उसमें से आएंगे 20-25 और उसमें से 10 पार होंगे और 2 उसमें से गल जाएंगे, 1 उसमें से भाग जाएगा। तब माँ ये सोचती कि सभी व्यर्थ हुआ। तो आप लोगों से यही मेरी विनती है कि कम से कम जो पाया है इसको खोना नहीं है, और इसको बैठाना है, रजाना है, अंदर में उसका अनुभव लेना है। सच्चित आनंद स्थिति क्या है उसको पाना है। इससे ऊपर में सहस्त्रार का स्थान है। आज तक सहस्त्रार का खुलना बंद नहीं पड़ा था। ये सभी जन्मों में मैं आई हुई हूँ, मैंने अनेक बार जन्म ली है, आप लोगों में से जो जानते हैं वो जानते हैं। लेकिन सहस्त्रार का खोलना नहीं बंद पड़ा था, कुछ नहीं सिवाय रोने धोने के और कुछ नहीं हो पाया। सब ऐसी ही जिंदगियां बिता दी, कुछ काम नहीं बना पाए। सहस्त्रार का खोलना इसी जन्म में हुआ, वो भी लगातार रोज रात में मेहनत करती थी, सबके कुंडलिनियों में घुस घुस करके और पता लगाती थी कि इस मोटर में क्या खराबी, उस मोटर में क्या खराबी, इसमें क्या खराबी, उसमें क्या खराबी, और अपनी गृहस्थी संभालते हुए सहयोग का अंतिम जो चरण है जिसे कहना सहस्त्रार खोलना, ये हो गया। और इसीलिए 5 मई को हम लोग सब सहस्त्रार डे मनाते हैं। उस दिन जब सहस्त्रार खुला है तब आप लोगों का भी सहस्त्रार खुला। इसका मतलब ये है कि संसार में जो सुपर कॉन्शियसनेस है वो उतर आई, इसीलिए आप सबको वाइब्रेशंस आ रहे हैं। आप कहिएगा कि इतने साल पहले, वर्षों पहले क्यों नहीं, एक आदि फूल आता था, बड़े मुश्किल से इस सटल चीज को पहुंचता था। सुपरा कॉन्शियसनेस आने की जरूरत थी, सुपर कॉन्शियसनेस आने की जरूरत थी, परमात्मा का साम्राज्य आने की जरूरत थी, उसकी सेंसिटिविटी संसार में फैलने की जरूरत थी। नहीं तो परमात्मा का ही विश्वास डूब जाता, नहीं तो संसार ही डूब जाता और सत्ययुग की शुरुआत नहीं होती। सत्ययुग की शुरुआत हो गई है, और सत्ययुग का पहले निशानी है कि किसी की भी लंद फंद चलने नहीं वाले। सत्ययुग की शुरुआत तब से हुई जब से संसार में कैंसर का रोग आ गया, कोई सी भी गड़बड़ी चलने नहीं वाली, धर्म में खड़ा होना ही पड़ेगा। आप अगर धर्म में खड़े नहीं होंगे तो एकदम अतिशय में जाएंगे। पहले आपने ऐसे बहुत से लोग सुने होंगे जो जिंदगी भर एक पैग शराब पीते थे, अब ऐसा नहीं होता। अब जो 10 साल का लड़का हो चाहे 15 साल का लड़का है, वो जैसे ही शराब शुरू करता है 2 साल में अल्कोहलिक हो जाए। हर एक चीज में गति आ गई है, और गति आने के कारण अब चल नहीं पाएगा। मनुष्य को धार्मिक होना पड़ेगा, अपने धर्म में जागना पड़ेगा। जो मनुष्य नहीं जागेगा वो ताड़ित होगा, वो नुकसान उठाएगा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हर तरह का नुकसान उठाएगा। और वो जानेगा, अपने सामने देखेगा कि मुझे तकलीफें हो रही, ये वो समझेगा। यही आज का विशेष समय आया हुआ है, ट्रांजिशन का समय कहिए कि अब सतयुग में उतरने वाले हैं। सतयुग में उतरने से पहले, पूरी तरह से उसको बिठाने से पहले आपकी संवेदना बढ़नी चाहिए, आपकी जो ये देह यष्टि है इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में परमात्मा का प्रकाश आना चाहिए। अभी तक तो सिर्फ पैरासिंपथेटिक में है और आपके हृदय में ही परमात्मा बसे हुए हैं, लेकिन इसका प्रकाश जब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आकर के चैतन्य स्वरूप जैसा कि वर्णन किया हुआ है, आप जब उसे पूरी तरह से अध्ययन करिएगा और जानिएगा, तभी सत्ययुग आपके अंदर बैठ सकता है। अभी तक कोई भी पुस्तक में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि कौन से उंगलियों में कौन से चक्र जाने जाते हैं। मैंने आपसे कल बताया था गगनगढ़ के महाराज बहुत बड़े माने हुए 105 साल के हैं, वो भी नहीं जानते हैं कि ये चक्र सारे कैसे पकड़े जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तो अंदर के ही जानते हैं, अंदर में जहां जहां पर उंगलियों पे हमें नहीं मालूम। ये तो बहुत ही कमाल हो गया कि उंगलियों पे छोटे छोटे बच्चे भी तुमको बता रहे हैं कि कौन सा चक्र कहां पकड़ता है, इसका डिकोडिंग पूरा तुमने बता दिया। आखिर इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया,
इन शहर में रहने वाले लोगों को और इन गांव में रहने वाले लोगों को तुम क्यों पार कर रही हो, इनकी क्या विशेषता है, ये कौन बड़े ऐसे अफलातून होते हैं, इनको किसके पैटर्न पे तुमने पैदा किया है। मैंने कहा इनको गणेश के पैटर्न पे पैदा किया मैंने, संस्कार से इनका जन्म दिया। तुम लोग तो बड़े अपने को पराक्रमी समझते थे कि हमने ये पाया, हमने वो पाया और हम फलाने हैं और हम ठिकाने, अब बैठे रहो, यही बच्चे मेरे काम आएंगे और यही दुनिया में दिखाएंगे कि परमात्मा है। और वो हमसे खुद ही बार बार वाद विवाद करते रहे, उसके बाद कहते रहे कि माँ 12 साल तक तुम मेहनत करना फिर मैं आऊँगा, मुझे तो इन लोगों ने तोड़ताड़ दिया, मेरी बुरी हालत कर दी। अब इस तरह के भी गुरु होते हैं, उन्होंने मुझसे कहा था इतनी बात जरूर है तुम्हें कोई सता है तो मेरे पास भेज देना। एक आदमी मुझे बेकारी में इतना परेशान करता था तो मैंने कहा जाओ तुम्हें महाराज ने बुलाया, मुझे क्या पता कि ऐसा बिहड़ है ये गए। उसके बाद में एक 10 दिन बाद आए, 10-12 दिन बाद, तो दोनों टंगड़ियां गर्दन में लटका के कोई लिए चला रहा, मेरे तो आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा इसकी क्या दुर्दशा हो गई, कहले माँ बचाओ बचाओ। मैंने कहा हुआ क्या भाई, तुम तो महाराज के पास गए थे, उस वक्त उनको बड़ी शान चढ़ी कि मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। कहले मैं उनके गुफा में सो रहा था तो रात में उनके मुझे बाघ ने नीचे ढकेल दिया। तो मैंने कहा तुमने उनसे बात क्या करी, माँ यही गलती हो गई, मैंने जरा तुम्हारी बदनामी कर दी, तुम्हारे लिए बुरा कहा। तो क्या बोले, कहले अच्छा देखता हूँ मैं तुम्हारी माँ को, तब तो इतना ही बोले। उसके बाद मुझे उसने बाघ ने नीचे ढकेल दिया। 3 दिन के बाद में मेरे हाथ पैर टूटे पड़े रहे, वहीं मैं टट्टी पेशाब, हालत खराब मेरी, खाने को नहीं कुछ नहीं। 3 दिन के बाद में 2-4 रोटियां ऊपर से लटका कहते खाओ। उसके बाद 2-3 दिन वहीं मुझे सड़ाया। उसके बाद उनके लोग ऊपर उठा के लाए, फिर मेरे घर वालों को खबर दी, कहले इसको ले जाओ, इसकी तंगड़ियां गले में डालकर, मराठी में कहते तंगड़िया गड़ियात घालू, तंगड़ियां गले में डाल के वो माँ के पास ले जाओ, वही ठीक करेगी, वो बड़ी क्षमा करने वाली है, मैं नहीं करने वाला, और फिर से अगर तुमने कहा है तो तंगड़ियां पूरी निकाल के रख दूंगा। उसने कान पकड़े और उसने कहा कि बाबा माँ मुझे उसके पास फिर से मत भेजना, जो भी है ठीक है। फिर उसकी तंगड़ियां ठीक करी, अभी ठीक है, चल रहे। ऐसे होते हैं इन गुरुओं के भी एक एक तरीके हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई तुम पार क्यों नहीं करते, बस हो गया, कर ले पार वार करना। एक को पार किया, 25 साल मेहनत की एक पे, तब पार हुए, सोचिए। कहले मुझे यहाँ पर जब से मैं मेंढक था तब से मैंने मेहनत करी है और हजारों साल बाद अभी मैं पार हुआ, मुझे वाइब्रेशन आए और इस दुष्ट पे मैंने 25 साल के अंदर इसको वाइब्रेशन दे दिए। उसका नाम क्या, तो अण्णा महाराज। मैंने कहा अच्छा देखेंगे अण्णा महाराज क्या। कहले काम से गया, वो अगर कुछ मुझे मिल जाए तो उसको मैं पीट के रख दूंगा, बहुत नारा। तो अण्णा महाराज कहाँ आए थे, तो मैंने कहा था भाई वो आएंगे तो मेरे को जरा बुलाना। तो उनसे कहा कि माता जी आ रहे हैं। मैं गई, मेरे सामने बैठ के सिगरेट पी रहे और वो अपने हैदराबादी भाषा में और 4-5 औरतें साथ में, क्या रे मैं रे तू रे से अला था, खूब अपने आराम से बैठे हुए। तो मैं गई, मैंने कहा कि कैसे क्या आप कैसे हैं। कहले हमारे आप गुरुजी जो हैं वो अपने तकिया छोड़ के आ गए बम्बई में आपसे मिलने। मैंने कहा क्यों ना, मैं उनकी माँ हूँ तो आते हैं मुझे मिलने, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है। कहले उनको छोड़ना नहीं चाहिए, वो ऐसा करते हैं वो वैसा करते हैं, वो काम से गए और ये और वो। मैंने कहा अच्छा तो अब मेरा तरीका देखो, उन्होंने तो तंगड़ियां तोड़ी। तो मैंने कहा अच्छा बेटे अब तो मैं जा रही, मैंने उनको कुंकू लगाया। उसके बाद मैंने कहा अच्छा मैं जा रही, तू मेरे को कुंकू लगा। जैसे उन्होंने आज्ञा चक्र पे मेरे रखा तो मैंने खींच लिया अंदर से, वो धक 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 उनका जो हाथ होने लगा ना, माँ 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 बचाओ 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 छोड़ो। मैंने कहा पहले तुम कहो कि अपने गुरु की निंदा नहीं करो। नहीं मैं कुछ की निंदा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। और मैंने कहा दूसरा है सिगरेट छोड़ना, हाँ छोड़ दो। मैंने कहा सिगरेट छोड़ो, तीसरा औरतों का छन छोड़ के जाके जंगल में बैठो। जब उसने तीनों चीजें प्रॉमिस की तब उसका हाथ छोड़ा नहीं, तो इस आज्ञा चक्र से ही उसको पूरा अंदर सक कर लिया और उसकी उंगली वो हटा नहीं सकता था और ऐसी 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 हो रही थी। 5 मिनट के अंदर सब लोगों ने तमाशा देखा। उसके बाद वो उठ के चले गए अण्णा महाराज और अब जंगलों में बैठते हैं। पर उन्होंने बड़े ढंग किए, उसके बाद पता चला कि उन्होंने कितने ही लोगों से अंगूठियां बनवाना, 125 तोले की तुम अंगूठी मुझे दे दो, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। महाराज जी क्या तुम्हारी जितनी श्रद्धा हो नहीं दे दो। उनका भाई 125 तोला बहुत होता। अच्छा चलो आधे ही तोले की दे दो, तुम्हारी जितनी श्रद्धा है, जितनी तुम्हारी आफत है उतनी ही दे दो। ऐसे कर कर के हजारों तोलों का उन्होंने अपने पास में ठीक किया था। परमात्मा की कृपा से उनके यहाँ चोरी हो गई और सब उनका सोना भी चोरी। तो उन्होंने कहा ये तो माता जी का काम है। मैंने कहा मेरा कहो चाहे किसका करो, सोना मेरे पास तो आया है। फिर क्या करें, जब सीधे हाथों नहीं घी निकलता तो कृष्ण की डिप्लोमेसी करनी पड़ती है। ये सहस्त्रार का स्थान हुआ। सहस्त्रार के बीचों बीच से जब कुंडली निकल करके और इस ब्रह्मरंध्र को भेद देती है तभी आप सुपर कॉन्शियसनेस में जाते हैं। अब मैं आपसे बताऊंगी कि जैसे मैंने पहले बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में
सबकॉन्शियस है और कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, और राइट हैंड साइड में आपकी सुप्रा कॉन्शियस है जिसको प्री कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और इधर में कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस है, नीचे में आपके हेल है और ऊपर में आपके सुपर कॉन्शियस है। तो क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा हट जाते हैं यहां से और आप कहते हैं कि बिल्कुल बड़े भारी हम सन्यासी हैं और हम बड़े नन हैं और फलाने ढिकाने करते हैं, तो आप इस साइड में करने लग जाते हैं, तो इधर से सुप्रा कॉन्शियस से आपके अंदर भूत आ सकते हैं। और जो ये लोग बहुत डायनामिक भूत भरते हैं आपके अंदर में थोड़े देर ट्रांस में ले जा करके, उन भूतों से आप थोड़े देर बहुत डायनामिक हो जाते हैं, और वो डायनामिक होने के बाद में आप थोड़े दिन में देखते हैं कि आप रैटलिंग करना शुरू कर देते हैं, सर आपका दर्द होने लगता है, रात में आप नींद नहीं आती, आफत हो जाती। ये सारे सुप्रा कॉन्शियस में मरे हुए जितने भी भूत हैं, अब सुप्रा कॉन्शियस में मरे हुए भूत वो होते हैं जो बहुत ही एम्बिशियस होते हैं। अब उनमें से एक पांडेचेरी वाला भी यही नमूना है। पांडेचेरी वाले ठीक चल रहे थे, जब तक उनकी कुंडलिनी उठकर के नाभि आज्ञा चक्र तक पहुंची तब तक ठीक थे, आज्ञा चक्र पे जाने पर ही ये देवी जी वहां पहुंच गए, चलो कल्याण हो गया। उनकी कुंडलिनी ऊपर से नीचे धड़ाक से गिराई, उनकी कुंडलिनी नीचे गिर गई, दोनों साइड से जो भूत थे उसके अंदर घुसा। अब ये मुझे आप बताइए कि पांडेचेरी का एक भी आदमी आपने सेंसिबल देखा है? नंबर लड़ाका, नंबर झगड़ालू, सबसे ज्यादा गुस्से वाला होता है और अपने को सबसे ज्यादा विद्वान समझता है, और उनसे अगर बातें करिए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आप उनसे कहिए भाई तुम रियलाइज्ड हो, तो कहते हाँ हम तो रियलाइज्ड हैं, फिर क्या, मेरे सामने तो यूं यूं थर थर कांपते और गर्दन यूं यूं हिलती उनकी। तो मुझे कहा लगे कि माँ ये तो शक्ति की वजह से होता। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये पड़ोस में जो लोग होता है उनका भी होता, उनसे पूछो तुम कहाँ से आए, पता हुआ वो पागल खाने से आए। इस प्रकार इतना ज्यादा अंधकार है, इतना अंधकार है कि मैं आपसे क्या बताऊं। इनसे छूटे आप तो आप वृंदावन चलिए, वहां सारे कंस के अनुचर वहां पर बैठे हुए हैं, पांडे जी बनकर के और क्या दुबे जी और चौबे जी बनकर इतने बड़े बड़े पेट लिए बैठे, उनकी पेट पूजा को दो, नहीं तो उनको एक गैया दे दो, वो भी नहीं हुआ आपसे श्रद्धा से, तो दो चार जूते ही दे दो तो अच्छा रहेगा। एक भी इसमें का आदमी मैंने सही नहीं देखा, मैं सब दूर जाके आई आपके लिए, मैं सब। और वो बोलने लगे कि हम तो राधा जी की साड़ी आपके लिए लाए। मैंने कहा अच्छा आपको क्या दूर तकलीफ है, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, हम तो हित वाले हैं, हम तो वृंदावन में राधा जी की बहुत सेवा करते। मैंने कहा फिर तुम्हें ब्लड प्रेशर हुआ ही कैसे, वो तो हमारे खानदान में ही हो रहा। मैंने कहा ठीक, और सब हमारे खानदान में जी बस 30-32 साल में मर जाते। मैंने कहा ठीक, राधा जी की सेवा करने से अगर 30-32 साल में आप मर जाते हैं तो आप किस तरह की सेवा करें भगवान जी, और उन्हीं की वजह से ब्लड प्रेशर सबका मैं उतार रही हूँ और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा। ये एक दूसरे नमूने अपने देश में और है, जो गल्लो गल्ली हर जगह बैठे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है हनुमान जी जागरूक है इसमें कोई शंका नहीं, जागरूक थे, हम अभी देखा नहीं जाके फिर क्या हाल है, वहां से गायब भी हो गए होंगे क्योंकि चित्त हट जाता। हमारा खुद ये हाल है, हमारे फोटोग्राफ खुद हम देखते हैं कि कुछ दिनों में वहां से हमारा चित्त हटा हो फोटोग्राफ एकदम काला सा पड़ जाता है क्योंकि वहां से चित्त हट गया हमारा, कुछ व्यभिचार हो रहा, हमारा फोटो रखा है वहां, गंदगी हो रही, बुरी बातें हो रही, हमारा वहां से चित्त हट जाता है, हमारा खुद ही चित्त हट जाता है, कोई ऐसा आदमी आता तो चित्त हट जाता है। यही एक खराबी है देवताओं में कि इनका चित्त हट जाता है। गणेश जी का अगर चित्त हट गया तो गए, फिर तो नुकसान ही नुकसान है, गणेश जी तो बहुत ही, और फिर दूसरे हनुमान जी, तीसरे भैरवनाथ जी हैं, ये तीन आदमियों को बहुत बचाना पड़ता है। तो यही भैरवनाथ जी जो है इन्हीं को बाइबल में सेंट माइकल कहते हैं, और जो हनुमान जी हैं इनको गैब्रियल कहते हैं। ये दोनों एक ही जीव हैं, और जो यहाँ पर इन दोनों चक्रों पे हमारा, इन दोनों नाड़ियों पे, ईड़ा और पिंगला नाड़ियों पे हमारा संरक्षण करते हैं, इधर तो भैरवनाथ जी हैं और इधर में हनुमान जी, पर उनकी भी एक हद होती है, हद से ज्यादा अगर बेकार हो गए तो कहते हैं जाओ चूल्हे। जैसे शिव जी यहाँ बैठे हुए हैं, शिव जी दुनिया भर का जितना मादक पदार्थ है उसको खाते रहते, इसलिए खाते हैं कि वही हैं जो कि उसको मार सकते हैं, उसको खा सकते हैं, उसका कंज्यूम कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। जैसे देवी है वो राक्षसों को खाती रहती है, अब देवी को कोई कहे कि तुम वेजिटेरियन क्यों नहीं है तो इसमें तो हिपोक्रेसी हो गई, जिसको रक्तबीज का सारा गंदा रक्त पीना पड़ा और उसके एक एक राक्षसों को खाना पड़े वो वेजिटेरियन कैसे हो सकती, सीधा हिसाब लगाना चाहिए। कोई अगर बहुत ही बड़ा वेजिटेरियन होता तो मैं कहती उसको कम से कम गोश्त ला के उसको छू लो, एक्सट्रीम पे मत जाओ, इतने अगर तुम दूध के बने हुए हो तो तुम देवी जी के साथ नहीं खड़े हो सकते। ये सोचना चाहिए कि देवी जो कि हजारों को उसको मारना पड़ा, करोड़ों राक्षसों की वध करना पड़ा, वो देवी अति सौम्या है, अपने बच्चों के लेके अति क्रौर्या भी है, इतनी क्रूरता से मारा है, अगर नहीं मारती तो उसके बच्चे कैसे बचते। लेकिन हिंदू धर्म में पता नहीं कहां से वेजिटेरियनिज्म आ गया,
अगर आप शक्ति को मानते हैं और देवी को मानते हैं तो वेजिटेरियनिज्म के कौन से सवाल आ गए। हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप घोड़े बैल भैंस खाइए, ये मेरा मतलब नहीं है, गाय खाएं, पर ये छोटे छोटे जानवर जो होते हैं और जो ये सब लोग खाते हैं। अब इससे ये कि मोहम्मद साहब काम से गए, ईसाई लोग काम से गए, सारे क्षत्रिय काम से गए, रामचंद्र जी गए, कृष्ण गए, सब लोग काम से गए, सिवाय बच्चे कौन है, दो चार ब्राह्मण जिनके बिल्कुल शरीर में टीबी की बीमारी, इनको कौन रियलाइजेशन देगा। ये नहीं मैं कहती कि आप लोग गोश्त खाना शुरू करिए, मेरा मतलब नहीं, को पसंद नहीं मत, लेकिन उसका संबंध आपके अभ्यास से या आपके रियलाइजेशन से नहीं होता है, इस चीज से होता है कि आपका चित्त कितना खाने में है। लेकिन शराब हर हालत, एक बूंद भी शराब खिलाफत में, मुझे कहिए तो मैं 10 रक्त बीज को खा लूं, लेकिन शराब इतना भी नहीं पी सकते। एक दिन गलती से किसी ने इतना सा मुझे शराब पिला दिया और मुझे खून की उल्टियां हो गई इतनी सारी। मेरे हस्बैंड तो उस दिन से कान पकड़े किसी के, बाबा गलती से भी मेरे बीबी को मत देना। मेरे तो पेट में दर्द है। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, मुझे देव ने मेरा पेट ही, आपने देखा कल मैं भाग के उधर गई थी, यहां पर कोई बड़ा ही गंदा आदमी आ गया था, उसके कारण मेरे पेट में धर्म दौड़ा। मैंने कहा चलो इसको निकालो नर्क में डालो, ना मेरे पेट में धर्म है। जरा सा कुछ ऐसा देखती हूँ कोई अगर नंगी औरत है या ये कैबरे डांस, अब कभी मुझे तो इससे बिल्कुल ये नहीं, लेकिन कहीं जाओ जबरदस्ती हम लोग की लाइफ ऐसी है सरकारी, तो उसमें सरकारी नौकर को जरूरी कैबरे डांस देखना चाहिए, नहीं तो उसकी नौकरी नहीं चलती। और उसकी बीबी पे एक आफत उसकी भी, साहब आप चुपचाप बैठे रही, लेकिन मेरे तो वहीं भदाक से उल्टी हो जाती उन्हीं के सामने, मैं करूँ क्या, मैं तो कुछ नहीं कहती। कहीं भी ऐसा गंदा देखती हूँ तो मेरे अपने आप ही, ये तो धर्म जो है पेट में ही होता है। रियलाइजेशन में मनुष्य किस तरह से उठता है, कहाँ तक पहुँचता है, ये मैंने आज बताया, कल आपको मैं ये बताऊंगी कि मन की स्थिति में आप रियलाइजेशन में कैसे कैसे उठते हैं और कैसे कैसे निर्विकल्पता आप में स्थापित होती है और उसके लक्षण क्या होते हैं। आज का जो भी लेक्चर हुआ है वो इन्होंने लिख तो लिया है, हो सकता है कि इसके टेप्स हम बना के यहाँ के लिए भी दे जाएं, लेकिन यह जरूरी है कि थोड़ी आर्तता होनी चाहिए, थोड़ी श्रद्धा अपने प्रति होनी चाहिए, थोड़ा सा इसमें गहरा उतरना चाहिए। दिल्ली में जो लोग गहरे उतरे वो बहुत ही गहरे उतरे, इसमें कोई शंका नहीं, और जो नहीं सो नहीं, वहीं के वहीं, मैं उनको हर साल देखती हूँ वहीं के वहीं खड़े, और जब 10 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहीं शक्ति का संचार होगा, और घर में बैठ करके माता जी मैं पूजा कर लेता हूँ, कुछ नहीं होने वाला उसका। थोड़े दिन में मेरी गठिया हो गई, मेरा फलाना हो गया, नेक्स्ट टाइम आए तो मेरा ऐसा हाल हो गया, ये मैं सुनने वाली नहीं। आप स्वयं ठीक हो जाइए, अपनी तबीयत ठीक कर लीजिए, उसके बाद दुनिया की तबीयत ठीक कर। आशा है आज भी बहुत से लोग पार हो जाएंगे, कल भी बहुत से लोग पार हो गए थे, न जाने उनमें से कितने लोग आए और बहुत से लोग आज आए, लेकिन इनमें से कौन असल में है और कौन नकल में, मैं सबको पहले ही पहचान गई। एक दिन उस दिन साहब आए थे, उनको मैंने पहले बुला के कह दिया कि भाई तुम चले जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, वो माने नहीं, उसके बाद यहाँ तूफान बन के कूदे और चले गए। वो अपने को बहुत ही अकलमंद समझते, वो सबसे कहने लगे कि कुंडलिनी में आदमी को नाचना चाहिए, कूदना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इनको नाचने दो कूदने दो ना, इनको किसने मना किया, लेकिन वो अपना शामियाना लगवाएं, अपना प्लेटफॉर्म बनाएं, वहां करें, यहाँ आकर के वो क्यों करे था, यहाँ नाचने कूदने को किसने बुलाया, यहाँ तो कम अज कम हमारा ही राज रहने दो, ये अच्छा है कि हम तो यहाँ शामियाना लगवाएं, एडवर्टीजमेंट करें और वो आकर के हमारे कुर्सी पे कूदें। ये कौन सा हिसाब किताब है बताइए, आपको जाना अपने रास्ते जाइए, हम तो आपसे कह रहे नहीं आए कि आप आइए, आप खुद ही अपने खुशी से आए, अपने खुशी से खुशी से आए और हमें छुट्टी करिए। अगर आप सोचते हैं कि हम बहुत ही बुरा कर्म कर रहे हैं कि लोगों को हम गंदी बातें सिखा रहे हैं, तो आप हमारे बारे में पेपर में दे दीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं।